मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जित तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखाई नहीं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में, और आज हम सीएसडब्ल्यूटी के करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया में कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरीके से कोई पर्सन पीड़ित होता है तो कहां जाता है न्याय मांगने के लिए, न्यायालय जाता है, इंडियन कोर्ट्स में जाता है। इंडियन कोर्ट्स की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, हाई कोर्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट रहेगा। लेकिन इंटरनेशनल मुद्दों पर अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, मान के चलो पाकिस्तान का पानी इंडिया ने रोक दिया, बात क्लियर, या इंडिया पाकिस्तान का कोई झगड़ा चल रहा है आपस में, तो इस टाइप के डिस्प्यूट कहां पर रिजोल्व होंगे? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में या इंडियन सुप्रीम कोर्ट में? जिस भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो अपने कंट्री के फेवर में जजमेंट देंगे। तो ऐसे मुद्दों पर जहां पर डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वहां पर केस कहां उठाया जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो अपने आप में ये इंटरनेशनल बॉडीज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है, तो हमें थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लेना चाहिए। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समटाइम कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, इसे क्या बोला जाता है, वर्ल्ड कोर्ट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट मींस ये यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट पार्ट है, सब कंपोनेंट है, उसका ही एक पार्ट आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसे कई बार हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड कोर्ट बोल सकते हैं। करेगा क्या ये, सेटल करेगा डिस्प्यूट किस किस के बीच में? इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉडीज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को ये कहीं ना कहीं कवर करेगा और उन सारे मुद्दों पर जजमेंट देगा। तो इट सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड गिवन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द इंटरनेशनल लीगल इश्यूज रेफर्ड टू इट बाय यूएन। यूएन अगर कोई इंटरनेशनल इश्यूज इसके सामने क्रिएट करता है तो उस पर अपनी एडवाइजरी, अपनी सलाह दे रहा होता है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को ये रिजॉल्व करता है। इट्स अपीयरेंस एंड रूलिंग सब एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के अकॉर्डिंगली ही इंटरनेशनल लॉ बनते हैं। हेडक्वार्टर की लोकेशन की बात करें तो नीदरलैंड में रहेगा। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है? सर फाउंडेड हुआ 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, ऑथराइज बाय चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऑथराइज किया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।